कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। प्राचीन काल से ही हमारे देश में तीर्थों की यात्रा करने की परंपरा रही है। भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए पवित्र चार धामों की स्थापना चार दिशाओं में की गई है। उत्तर में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकापुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और सुदूर दक्षिणी छोर पर चौथा धाम है रामेश्वर तीर्थ। हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री घाट के कपाट खुलने के साथ पावन चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। इस साल 7 मई को चार धाम यात्रा शुरू हो गई। वहीं 9 मई को केदारनाथ और 10 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम दर्शनों के लिए खोल दिए गए। हर साल देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु चार धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आइए जानते हैं चार धामों का महत्व और इसकी शुरुआत करते हैं बाबा बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ देवभूमि उत्तराखंड में बसे बाबा बद्रीनाथ की महिमा और रूप दोनों ही निराले हैं। यहां भगवान विष्णु बद्री रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। वहीं इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलता है कि 8वीं और 9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की खोज की थी। इस धाम को लेकर एक कहावत भी मशहूर है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। मतलब जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख भगवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद चलते हैं कृष्ण की कर्म नगरी द्वारिका में। द्वारकाधीश गुजरात में बसा द्वारकाधीश धाम चार धामों के साथ साथ सप्तपुरियों में से भी एक है। शास्त्रों के अनुसार द्वारिका में भगवान विष्णु वस्त्र पहनते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में द्वारका सोने की नगरी हुआ करती थी, जो भगवान कृष्ण के साथ समुद्र में समा गई। वैसे कुछ किस्से कहानियों की माने तो कृष्ण की परम भक्त मीरा ने यहीं पर अपना देह त्यागा था। यही वजह है कि आज भी इस धाम की हिंदुओं में खास महत्व है। ये थी द्वारकाधीश। अब चलते हैं पुरी के जगन्नाथ धाम। उड़ीसा के पुरी में बसे इस धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। बद्रीनाथ में स्नान और द्वारिका में वस्त्र पहनने के बाद भगवान विष्णु पुरी में भोजन करते हैं। शायद यही वजह भी है कि यहाँ रोजाना भगवान जगन्नाथ को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ, यानी कि जगन्नाथ। यहाँ हर साल होने वाला रथ यात्रा उत्सव काफी मशहूर है। रथ में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ के दर्शन के बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आखिरी धाम रामेश्वर धाम की तरफ, जहां भगवान विष्णु आराम करते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बसा रामेश्वर धाम हिंदुओं में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में मोक्ष नगरी काशी की है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ शंख आकार का बेहद सुंदर द्वीप है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहां पर अपने इष्ट देव भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से यही ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान होने की कामना की थी, जिस वजह से यहां स्थापित शिवलिंग
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे आपको बता दें, चार धाम की यात्रा केवल गर्मियों में होती है, सर्दियों में सभी धामों के कपाट बंद रहते हैं। मान्यता है कि जो चार धाम यात्रा करता है उसे मुक्ति मिलती है। तो ये थी चार धाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। इन धामों से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए पढ़ें नवोत्थान का जून अंक। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए HS न्यूज के साथ। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।